दोस्तों, हमारी दुनिया में 2500 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 500 के करीब जहरीले होते हैं। आज हम आपको इन्हीं 500 सांपों में से 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पर है दोस्तों टाइफन। टाइफन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप है। ये एक बार में इतना जहर छोड़ता है कि एक बार में 12,000 पिग की जान जा सकती है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिस होता है। अफ्रीकन ब्लैक मैम्बा की तरह इसका काटा कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। इसके काटने के बाद एक घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। 9वें नंबर पर है ब्लैक मैम्बा। ब्लैक मैम्बा पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और यह सांप अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाली मौतों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यह धरती का सबसे तेज चलने वाला सांप भी है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। खतरा महसूस होने पर यह लगभग 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के अंदर छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। ब्लैक मैम्बा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। मैम्बा के काटते ही इंसान की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में ये सांप इतना ज्यादा पाया जाता है कि अस्पताल पहुंचते ही इसका एंटीडोज सबसे पहले पेशेंट को दिया जाता है। 8वें नंबर पर है दोस्तों टाइगर स्नेक। यह स्नेक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने से 30 मिनट से 35 मिनट के बीच में इंसान की मौत हो जाती है। इसके काटने से मरने वाले इंसानों का प्रतिशत 70% तक था। आप मानेंगे, इसके बावजूद भी यह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह भाग जाता है। ये काटता उसी स्थिति में है, या तो यह किसी कोने में हो या फिर इसके पास भागने का रास्ता ना हो। 7वें नंबर पर आता है फिलीपिन कोबरा। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां ज्यादातर जहरीली नहीं होती, पर फिलीपिनी कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह शिकार को डसने की जगह उस पर दूर से ही जहर फेंकता है। ये 3 मीटर की दूरी से भी शिकार के ऊपर जहर फेंक सकता है। ये एक बार में काफी अधिक मात्रा में जहर थूकता है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे हृदय और श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। जहर तत्काल ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसके काटने के पश्चात सांस लेना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इसके जहर थूकने के आधे घंटे के अंदर ही शिकार की मौत हो जाती है। 6वें नंबर पर है सौ स्केल्ड वाइपर। दोस्तों, वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इसकी अधिकांश प्रजातियां होती भी जहरीली ही है, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति सौ स्केल्ड वाइपर और चैन वाइपर है, जो कि भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। यही सांप भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये सांप ज्यादातर बारिश में शिकार के लिए निकलते हैं और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। इसके काटने के आधे घंटे के भीतर ही इंसान खत्म हो जाता है। वाइपर के काटते ही जिस हिस्से पर इसने काटा है वहाँ पर तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और पूरे बदन में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आती है और इंसान इसमें कई बार खून की उल्टियां भी करता है और एंड में नतीजा होता है मौत। 5वें नंबर पर है डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुइना में पाया जाता है। यह सांप घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह एक बार में 100 mg तक का जहर शिकार के अंदर छोड़ देता है। हालांकि यह बहुत विषैला है, फिर भी यह इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत ही धीरे धीरे असर होता है। इसके विष का पूरी तरह से असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए एंटी वेनिम इसके इलाज के लिए काफी असरदार सिद्ध है। 4थे नंबर पर है दोस्तों रेटल स्नेक। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप अपनी पूंछ के पीछे आखिरी में छल्लों के कारण पहचाना जाता है, और जब यह अपनी पूंछ को हिलाता है तो इसके छल्ले झुंझुनू की तरह आवाज करते हैं। इसी वजह से इसका नाम रेटल स्नेक पड़ा है। यह सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। यह सांप बहुत ही गुस्से वाला होता है और इस सांप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनके बच्चे बड़ों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बच्चों में बड़ों से ज्यादा जहर होता है। बड़े होने के साथ साथ जहर कम होता जाता है। इसके शरीर में हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इस जहर से ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है। इसके काटने के 10-15 मिनट बाद ही अगर एंटीडोज दे दी जाए तो उसके बचने के कुछ चांस हो सकते हैं, अन्यथा मौत निश्चित है। 3रे नंबर पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा एक इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। सबसे खराब बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंसानों के आसपास ही ज्यादा पाया जाता है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी किसी भी इंसान को मौत के पास पहुंचा सकता है। इनकी रफ्तार बहुत ही तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके काटते हैं। इनके काटने के बाद आंखों के आगे अंधेरा छाना, बहुत तेज दर्द और खून का बहना जैसी शिकायतें मरीज अक्सर करता है। इसके काटने के 5 मिनट के भीतर ही इंसान खत्म हो जाता है।
यह सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रक्रिया करता है, इसलिए कभी आपका इस सांप से सामना हो तो इसके सामने स्थिर रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। दूसरे नंबर पर है इनलैंड टाइपन। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है पर इतना घातक है कि 100 इंसानों को मौत के द्वार तक पहुंचा सकता है। इसका जहर रैटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना घातक होता है। यह सांप आबादी से दूर रहना ही पसंद करता है, इसलिए इसका सामना इंसानों से बहुत ही कम होता है, और अगर हो भी जाए तो ये वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सांप के काटने से एक भी मामला आज तक रिकॉर्ड में नहीं आया है, इसलिए दोस्तों इसे संत सांप की उपाधि भी दी जाती है। पहले और सबसे आखिरी नंबर पर है बेलचर सी स्नेक। बेलचर सी स्नेक साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण ये इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, केवल मछुआरे ही कभी कभार मछली पकड़ते वक्त इसका शिकार बन जाते हैं। ये अधिकतर मौकों पर इंसानों को काटने से बचता है, बहुत ही रेयर केस में ये इंसानों को काटता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई अद्भुत जानकारी के साथ।